तो फाइनली मैं आ चुका हूं भाई ओला के कैंपस में, जहां पे हुआ है भाई लॉन्चिंग मूव ओएस 4 फाइनल की। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाई मूव ओएस 4 स्टेबल वाला कितना तगड़ा हो चुका है मूव ओएस 4 बीटा वर्जन से, कौन से ऐसे फीचर है जो मुझे बहुत ज्यादा तगड़े लगे हैं, फ्यूचर में मूव ओएस में क्या क्या देखने को मिल सकता है वो झलक भी दिखाऊंगा, और ओला क्यों भाई इतना पागल है अपने मूव ओएस 4 को लेके, सब इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है। अब मूव ओएस 4 को चलाने के लिए हमें चाहिए एक रथ, अब इनमें से कौन सा सेलेक्ट किया जाए, कौन सा किया जाए, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। ओके तो अब टॉर्क का टेस्ट करते हैं, यहाँ पे टॉर्क लगा दिया मैंने, इको मोड में लगाऊं पहले, इको मोड में हम टॉर्क चेक कर रहे हैं भाई, 1 2 3। ओके दो बंदों के साथ बैठे हुए हम, 19 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिखा रहे हैं। और टॉर्क का सीन ऐसा होता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी टॉर्क कम होता जाएगा, और आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग में ही फुल अवेलेबल होता है भाई नॉर्मल मोड में, 1 2 3। तो 34 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रहा है भाई नॉर्मल मोड के अंदर, ये भी अब धीरे धीरे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी कम होता चला जाएगा भाई। अब लगाते स्पोर्ट्स में, 48 न्यूटन मीटर का टॉर्क है भाई, और स्पोर्ट्स तो खैर इसका मज़ेदार है ही, हाइपर 57 न्यूटन मीटर, ओला क्लेम करता है 58, तो 57 स्टार्टिंग में ही मिल जाता है, ये खासियत होती है भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और एकदम ये तो उठ ही जाता है भाई बिल्कुल ही। लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पे हमने कर दिया किलोवाट, ठीक है अब हमने लगा दिया इको मोड में, अब करते हैं किलोवाट 1 2 3। तो आप देख सकते हैं 0.3 से स्टार्ट हुआ था, 7 8 9, देखते हैं मैक्स कहाँ तक जाता है। ये पहले जो आप रीडिंग देख रहे हो ना इनकरेक्ट होती थी भाई, मज़ा नहीं आता था, वो ऐसी फेक दिखा रहा था, आप साइड में देख पा रहे हो, तो 1.5 किलोवाट तक ये मैक्स गया था इको मोड के अंदर। तो ये काफ़ी तगड़ी चीज़ लगती है भाई कि आपका स्कूटर ये भी दिखा रहा है कि आपका स्कूटर की मोटर कितनी पावर दे रही है कौन से मोड में। अब करते हैं नॉर्मल मोड में, 1 2 3 मीटर का बड़ा मस्त लगता है भाई, ये इलेक्ट्रिक कार्स में होता है भाई ये फीचर। तो पहले अब साइड में आप देख पा रहे होगे कि पहले कितना दिखा रहा था और अब कितना दिखा रहा है, अब ओला ने इसे करेक्ट कर दिया है, पहले डेटा कुछ भी दिखा रहा था, अभी दिखाता हूँ स्पोर्ट्स में जब कितना दिखा रहा था, हाइपर में कितना दिखा रहा था, तो मैक्स इतनी चली गई। अब लगाते हैं भाई स्पोर्ट्स, इसमें ज़्यादा जाएगा भाई किलोवाट, तो 6.7 मैक्स गया है भाई, 6.9 चला गया, मोड़ आ गया भाई। अब करते हैं हाइपर में, अब हाइपर में ना पिछली बार गलत रेटिंग दिखाई जाती क्योंकि वो बीटा मोड था, उसमें 11 किलोवाट की पावर दिखाई थी, जबकि इस स्कूटर के अंदर जो मोटर लगी है उसकी मैक्स पावर 8.5 किलोवाट है। तो अब देखते हैं भाई कितना एक्यूरेट हो गया है, साइड बाई साइड दिखा दूंगा आपको। तो 1 2 3 हाइपर मोड के अंदर, ओके देखते हैं मैक्स पावर कितनी आती है भाई, आप कंपेयर भी कर लो साइड बाई साइड कितना दिख रहा है आपको। इससे ज्यादा हमें यहाँ मिल सकता है, आई डोंट नो, मिल जा। ओके 98 की स्पीड में भी 6.7 किलोवाट है, 105 में भी 6.5 है, 8.5 कैसे अचीव होगा आई डोंट नो, मुझे लग रहा है सिंगल बंदे पे मे भी ये चली जाए, मैंने पूरा पुश मार दिया बट 8.5 किलोवाट तो नहीं आया, आई थिंक दो बंदे बैठे इसलिए कम दिखा रहा है। अब चेक करते हैं फोर्स रीजन को, ठीक है इसे तेज भगाऊंगा फिर मंदा करूंगा फोर्स रीजन से, 1 2 3। यहाँ पे मीटर में देखना रीजन दिखाया कितना हो रहा है, और ऐप के अंदर ये भी दिखा देता है कि कितनी आपने बैटरी सेव कर ली है, ठीक है अब मैं करने वाला हूँ 1 2 3, तो 2.4 तक चला गया था भाई। देखो इस तरफ जब ये दिखा रहा है हरी सी लाइन, तो इसका मतलब ये फोर्स रीजन यूज़ हो रहा है, और स्कूटर धीरे 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 स्लो हो जाएगा। पर्सनली लग रहा है मुझे फोर्स रीजन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई है, अब कितनी हुई है एग्जैक्टली ओला से नहीं पता, लेकिन आप ओनर हो आप बता सकते हो अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो स्कूटर को कि कितनी इंप्रूवमेंट आपको लगी है। अब इको मोड के अंदर ही भाई क्रूज़ कंट्रोल आ गया, ये स्पीड हमने बढ़ाई, ये लगाया आर का बटन और हमने छोड़ दिया हाथ, और आराम से स्कूटर चल रहा है।
अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ देखने को मिल जाती है भाई, जैसे कि यहाँ पे टाइम लगेगा 38 मिनट, 18 किलोमीटर पूरी टोटल डिस्टेंस है, और टाइम भी बता रहा है भाई 3:45 तक आप पहुँच जाओगे। अब इससे पहले मैंने इनका MOVOS 1, 2, 3, 3 बीटा, 4, 4 बीटा भी यूज़ कर लिया है। अब जो ऐप वर्जन मैं चला रहा हूँ फ़ोन के अंदर वो है वर्जन 4.0.5। अभी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है, ये देखो, मतलब अभी तक जितने भी मैंने इनके सॉफ्टवेयर वर्जन चलाए हैं, चाहे MOVOS 2 हो, 3 हो, सबसे ज़्यादा स्मूथनेस आई है वो अब आई है भाई। पहले ही कई बार वर्क करता था, कई बार नहीं करता था, लेकिन अब पास आके भी टेस्ट कर लेते हैं इसे भाई। आई थिंक थोड़ा तो फास्ट है, क्लोज होने में टाइम लेता है, लेकिन अनलॉक काफ़ी जल्दी होता है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक में भी इंप्रूवमेंट हुई है, कितनी हुई है उसको टेस्ट कर लेते हैं भाई। ये रखा हमने फ़ोन जेब में, हाँ कर लिए ऊपर, चल दिया स्कूटर की तरफ। जैसे मैं स्कूटर के पास आके ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, स्कूटर अपना हो जाता है स्टार्ट। अब इसे जाके भी देखते हैं कि बंद होता है नहीं होता है। तो लो, अब हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है, तो इतने में बंद हो गया। अब मैं बताऊँ कितनी इंप्रूवमेंट हुई है, पहले के मुकाबले इंप्रूव हुआ है, बट मैं कहूँगा अभी भी ऐसा नहीं है कि 100% ये बिल्कुल करेक्ट है, 10 में से 10 बार चलेगा। आई थिंक 10 में से 8 या 9 बार ये चल जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ऐप इंटरफेस की, तो यहाँ पे मैं क्या क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आता है बैटरी का स्टेटस, कितने परसेंटेज है, सारे मोड्स में हमें यहाँ पे रेंज देखने को मिल जाती है। वापस करा, ये हो गया भाई लॉक अनलॉक वाला, ऐसे अनलॉक हो जाता है और बंद कर दिया हमने। ये हो गया बूट स्पेस का, इसे खोला हमने, ट्रंक जो है ओपन हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे रेफर, अर्न, पेयर, मीडिया कंट्रोल, इससे आप गाने बजा सकते हो कंट्रोल करके, और ये आपका हाइपर चार्जर नेटवर्क आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलें, तो ये भाई इनका ओला मैप, जो मैं कहूँगा पहले के मुकाबले स्मूथ हो गया है। इवन अगर आप यूज़ करके देखोगे तो आपको एक फील आ जाएगी कि जो इनका मैप माई इंडिया था, उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट इनके ओला मैप में है। अभी कितना करेक्ट है और कितना नहीं है वो तो इसके यूज़र बता सकते हैं, लेकिन स्मूथनेस में डेफिनेटली ये पहले वाले मैप से अच्छा है। अब यहाँ पे एक फीचर और भी आता है कि आप कोई सा भी यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करो और यहाँ पे आप सेंड कर दो स्कूटर को। हमने यहाँ पे सेंड का बटन दबाया और लोकेशन जो है स्कूटर पे सेंड हो गई। जैसे हम स्कूटर को ऑन करेंगे, यहाँ पे मैं गया स्कूटर को ऑन करा, आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अभी आई थी, वापस चली गई, दोबारा से कर देता हूँ, आ गई। नेविगेट करा और ईजिली यहाँ पे चल जाता है, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्टार्ट नेविगेशन और ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो आप रिस्पॉन्स देख पा रहे हो, पहले वो आपके स्मूथ है, जूम इन हो गया, जूम आउट हो गया, और आप चाहे साइड भी कर दो इसे, हैंग वैंग अब ये उतना नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके अपने फ़ोन की लोकेशन देख सकते हो, प्लस स्कूटर की लोकेशन भी आपको यहीं पे दिखा रहा है। आगे चलते हैं भाई, बीच में यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक आया था, जो कि अभी भी बीटा में है भाई, लेकिन आप पहले को आप अच्छा वर्क कर रहा है, हमने टेस्टिंग में देखा है भाई। उसके अलावा और क्या जाता है यहाँ पे, दो मोड आ जाते हैं, या तो आप डिफॉल्ट कर लो या फिर फार कर लो, कि प्रॉक्सिमिटी अनलॉक दूर से अनलॉक हो जाएगा, डिफॉल्ट वाले में थोड़ा पास से अनलॉक होता है। उसके बाद आता है स्कूटर एक्सेस, ये बड़े काम की चीज़ है भाई। यहाँ पे एक बार आपने ऐड अनदर राइड करा, आप कॉन्टैक्ट्स में किसी को भी सेलेक्ट करके उसे अपना स्कूटर का एक्सेस दे सकते हो, वो बड़ी ईजिली यहाँ पे आपके स्कूटर का यूज़ कर लेगा। दूसरी जो यहाँ पे बढ़िया वो ये है कि भाई आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी बंदे को, जैसे मैंने अपने आप को यहाँ पे तरुण लिख रखा है, और यहाँ पे मैंने अपना हाइपर मोड अभी तो ऑन कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड दोनों को बंद कर दिया है। मान लो छोटा भाई हो, बहुत ज़्यादा तेज भगाता है और आपको लगता है कि ये ठुकठुका जाएगा, तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ बंद करके उसे दे सकते हो। इवन आप यहाँ पे जियो फेंस अलर्ट भी लगा सकते हो, टाइम फेंस अलर्ट भी लगा सकते हो कि एक एरिया के बाद वो बाहर जाता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और टाइम फेंस में आप ये लगा सकते हो कि भाई 5 बजे बाद अगर वो स्कूटर लेके जाता है तो अपने आप आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो काफ़ी काम की चीज़ है ये। उसके बाद आता भाई यहाँ पे राइट जनरल, इसके बारे में आगे बात करूँगा कि मैं सबसे तगड़ा फीचर लगा है ये। उसके बाद कंसर्ट मोड, कंसर्ट मोड भाई एक्चुअली मुझे ट्राई करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे पास और स्कूटर नहीं है। आगे चलते, लेकिन इसका मैं बताया था यूज़ क्या है, आप 5 स्कूटर खड़े करके उन सब में एक साथ गाने बजा सकते हो, लाइट भी चलेंगी और गाने भी सब में एक साथ बजेंगे। पार्टी मोड का आप कह सकते हो तगड़ा वर्जन है, विकसित रूप है। उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आप रीसेट पासवर्ड कर सकते हो मोबाइल से ही, एक OTP आएगा और आप इजीली अब मोबाइल से ही अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। उसके बाद आता है एडऑन्स, एडऑन्स में अपने वही ओला केयर प्लस या जो भी आप एक्स्ट्रा लेते हो वो आ जाता है, और नो योर स्कूटर में आपका मोबाइल एप्लीकेशन, चेसी नंबर, आपके स्कूटर के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो इसके अंदर अभी 4.0.0 है, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया 4.0.5, 648, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे आपकी आ जाती है, कितने किलोमीटर चला है और कब हमने स्कूटर को खरीदा था। पीछे चलते हैं भाई, तीसरी टैब जो है भाई वो अपनी हेल्प का सेक्शन आ जाता है, जो भी आपको यहाँ पे दिक्कतें आती हैं तो इनके कुछ ऑटो आंसर होते हैं। साइड में आ जाता है भाई अपना अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया और बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है वो है भाई इनका गैराज मोड, जो मैं आगे बताता हूँ। ओके, अब जल्दी जल्दी से दिखाता हूँ भाई डिस्प्ले में क्या क्या नया देखने को मिलता है। सबसे पहले तो भाई आपको यही थीम मिल जाती है, इसे केयर मोड बोलते हैं, इसके अंदर ये वाली साउंड आती है भाई, सुनना ध्यान से,
नेचर वाली साउंड आती है, ठीक है। ऑडियो को आप यहीं से ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, ठीक है। बंद कर देते हैं अभी से हम यहाँ से। उसके बाद अगर आप ऐसे स्लाइड कर दोगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो आपको यहाँ पे चीज़ देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे होम पे जाते हैं, होम पे वाली डिस्प्ले आ गई। यहाँ पे आपको किलोवाट मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है, इसे ऐसे 6 है भाई। किलोवाट के बाद आता है टॉर्क, टॉर्क के बाद सॉरी ऊपर जाएगा, किलोवाट हो गया, टॉर्क हो गया। या मनी सेव दिखा रहा है भाई कि हमने 67,095 रुपये बचा लिए हैं अभी तक इस स्कूटर को यूज़ करके। नीचे चलते हैं, 831 किलो की यहाँ पे CO2 अवॉइड कर दिया हमने। यहाँ पे आता है माई ट्रिप, उसके बाद आता है भाई करंट ट्रिप, जो आप स्टार्ट करोगे तो वहीं पे चालू हो जाएगी अपने आप। और यहाँ पे आ जाता है टोल किलोमीटर, अभी तक ये चल चुका है 28,673 किलोमीटर। बाकी यहाँ पे आपको म्यूजिक का विजिट देखने को मिल जाता है, ये भी भाई आप एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ये लगा दिया, जो चीज़ वहाँ आ रही है वो यहाँ भी आ सकती है ईजिली, ठीक है। उसे चलते इस तरफ, ये चीज़ मुझे बहुत थोड़ी लग रही भाई, मोबाइल वाली फीलिंग आ गई, जैसे वन प्लस का आई थिंक UI ऐसे ही होता है, तो UI काफ़ी अच्छा कर दिया इन्होंने। यहाँ पे आपको मोबाइल वाली फीलिंग आती है, यहीं से ब्राइटनेस आपने कर दी, एक सेकंड, यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो गई। मूड की साउंड यहीं से ऑफ ऑन हो जाती है, और हज़ार्ड की लाइट भी यहाँ से जल जाती है। चारों इंडिकेटर चल गए। फिर यहीं पर वाईफाई, ब्लूटूथ और डार्क मोड, अगर मैंने लाइट मोड कर दिया तो वो ऐसे हो जाएगा, ये लाइट मोड आ गया। उसके बाद एक बार और स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाता है भाई फुल डिस्प्ले के अंदर अपना म्यूजिक प्लेयर। और यहाँ पे ये जिस तरह लगती है मुझे कि आपकी टुडे राइड का जो स्टेटस है सब कुछ आ जाता है, कि भाई जैसे मैंने आज 40 किलोमीटर स्कूटर चला लिया है, ईको में 1 किलोमीटर चला है, नॉर्मल में 8 किलोमीटर चला है, स्पोर्ट्स में 28 और हाइपर में 3 किलोमीटर चला है। बहुत तगड़ी चीज़ है भाई ये। उसके बाद यहाँ पे एवरेज स्पीड आ गई, टॉप स्पीड आ गई कि 106 मैंने मैक्स भगाई है। एवरेज स्पीड मेरी बैठे 34 किलोमीटर पर आवर। इफिशियंसी भी दिखा रहा है कि भाई 1 किलोमीटर मैंने 47 वॉट आवर कंज्यूम करे हैं अपनी बैटरी के। और रीजन भी दिखा रहा है कि भाई रीजन से 2.4 किलोमीटर गेन कर लिया रेंज के रूप में। अब ये बहुत तगड़ी चीज आती है भाई, किसी इलेक्ट्रिक कार में भी इतने फीचर नहीं होते जो ये डिस्प्ले पे दे रहे हैं आपको। फिर यहाँ पे आ गया भाई व्हीकल का स्टेटस, कितनी बैटरी है, इको में कितना चल जाएगा वगैरह वगैरह। मोटर टेम्परेचर आ गया, बैटरी टेम्परेचर आ गया, किस लेवल तक यहाँ पे इन्होंने चीजें यहाँ पे अवेलेबल कर दी हैं। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ भाई कि सेटिंग में क्या देखने को मिलता है। ये हमने लगा दिया, सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स अब ये पहले वाला ही है जैसे पहले आया करता था। ये आई थिंक इनके मूव OS 2 से ऐसा आ रहा है ये वाला, लेकिन जो बाहर का UI है वो मुझे कम्प्लीटली चेंज लगता है। एक बार सेकंड, ये वाला जो सीन है यहाँ पे काफ़ी मुझे प्यारा लगा। मेनली यहाँ पे यही डिफरेंस देखने को मिला है मेरे को। इसके अलावा तो जो अपना मूव OS 4 बीटा मैंने आपको दिखाया था, मोस्टली सारे फीचर हमें वही देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको डिस्प्ले वाला पार्ट देखना है तो आप मेरी इस वाली वीडियो में देख सकते हो। और अब बात करते हैं ऐसे फीचर्स के बारे में जो मुझे बहुत ज़्यादा तगड़े लगते हैं भाई, जिनमें सबसे पहला आता है राइट जर्नल। अब राइट जर्नल की अगर छोटी परिभाषा दो ना, तो भाई ये एक ऐसी जन्म पत्री है आपके बारे में भाई। इतनी डिटेल है इसके अंदर, आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। मैंने इसे चलाया, मैंने जब इसे यूज करा मैं शॉक्ड हो गया भाई, इसके अंदर इतनी डिटेल भरी हुई है। जैसे ओल्ड टाइम स्टैटिक्स, आपका स्कूटर अभी तक कितना चला हुआ है, पूरा डिस्टेंस दिख जाएगा, कितने पैसे बचा लिए, कितनी CO2 सेव करी है, रीजन से कितने किलोमीटर ऐड किए हैं। और अचीवमेंट में आपको बैजेस भी दिए जाते हैं कि आप कौन से OS पे हो, आपने कितने डिस्टेंस कवर किया, उसके अकॉर्डिंग आपको 10K 20K 30K 40K सारे बैजेस मिलते हैं। रीसेंट राइड भी आपको देखने को मिल जाता है भाई, जिसके अंदर आपको बताया कौन सी डेट को आप कहाँ पे अवेलेबल थे, क्या टाइमिंग थी, कौन सा मैप था, कौन सी गली से आप गुजर के गए थे, सब कुछ इसमें दिखा देता है भाई। कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी, कौन से मोड में कितना चलाया, टॉप स्पीड क्या थी, राइड इफिशियंसी क्या थी, रीजन करके आपने कितनी रेंज को ऐड किया। उसके बाद एनर्जी इनसाइट्स में बताते हैं कि भाई आप किस तरह के राइडर हो, स्पोर्टी राइडर हो, वर्सेटाइल राइडर हो, या फिर इकोनॉमिकल हो, कौन सा मोड आप ज्यादा यूज करते हो, परसेंटेज वाइज दिखाता है पूरा। एफिशिएंसी भी दिखाता है कि भाई आप 1 किलोमीटर के लिए कितनी बैटरी कंज्यूम करते हो, आप रात को ज़्यादा चलते हो, अप हिल चलते हो, डाउन हिल चलते हो, फोर्स रीजन कितना यूज करते हो, टायर प्रेशर कितना रखते हो, किस टाइम चार्जिंग करते हो, वो भी विद ग्राफ दिखा देता है। और भी तगड़ी तगड़ी चीज़ें जैसे कि चार्जिंग पैटर्न, कि यहाँ पे हफ्ते में 3 बार चार्ज करते हैं, और यहाँ पे ये भी दिखाता है कि आप लो बैटरी पर राइड करते हो या फिर नहीं। तो ये सारा डेटा भाई एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार के ऐप में भी देखने को नहीं मिलता है, ये आपको यहाँ राइड जर्नल में देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो दूसरा तगड़ा फीचर लगता है वो है भाई कितना ग्रीनरी से जुड़ा जुड़ा लग रहा है ना भाई, तो ये है भाई इनका केयर मोड, जिसे आप थीम भी कह सकते हो। पहले ओला के अंदर 3 थीम आती थी, लेकिन ये चौथी जुड़ गई है जिसका नाम है केयर मोड। तगड़ी चीज में पता क्या लगती है, ओला के अंदर डिस्प्ले मौजूद है जो कि टच स्क्रीन है, स्पीकर मौजूद है जिनसे गाने बज सकते हैं, लेकिन ओला उसका तगड़े से यूटिलाइजेशन कर रहा है भाई। एक थीम डाल दी जिसके वजह से आपको स्कूटर को चलाते हुए ना एक भाई अलग ही ग्रीनरी फील होती है, नेचर से जुड़ी हुई वाइब आती है, ये मुझे भाई तगड़ी चीज लगी है। यहाँ मैं आपको दिखा देता है कि भाई कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपने एनवायरनमेंट में जाने से बचाई है, और वो कितने पेड़ के बराबर है ये भी बता देता है। तो ये जो थीम है पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी। इसके अलावा भी और भी ऐसे फीचर है जो काफी काम के लगे, जैसे कि एक फेवरेट कॉन्टैक्ट वाला। फेवरेट कॉन्टैक्ट ये है कि भाई आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको स्कूटर चलाते वक्त किसकी कॉल को लेना है,
वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, भाई हो सकता है, एक जिगरी दोस्त भी हो सकता है, लेकिन वो जो बंदे होते हैं, हेलो सर मैं एक्सिस बैंक से बोल रही हूँ मेरा लोन ले लो, या फिर क्रेडिट कार्ड वाले जो होते हैं उनकी कॉल आपके पास नहीं आएगी, तो ये भी काफ़ी काम का फीचर है। और उसके बाद तुम्हें बताइए अगला क्या होगा भाई, अरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और अगर अपना स्कूटर ऐसे गिर जाए तो इस तरह से आता है फॉल डिटेक्टिव चेंज टू पार्क बोर्ड। अब ये स्कूटर अगर आप ऐसे उठा दोगे और रेस ऐसे दे भी दोगे तो स्कूटर चलेगा नहीं, अगर आप पेट्रोल वाला में देखोगे तो बंदा उड़ जाता है, वो स्कूटर भगा चला जाता है, तो ये भी एक तगड़ा सेफ्टी फीचर है। इंडिकेटर भी भाई ऑटो कट के साथ आते हैं जो कि अपने आप बंद हो जाते हैं जैसे ही आप टर्न लेते हो। उसके बाद आता है भाई गैराज मोड, ये भाई मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया फीचर है। अगर आपके घर में कई सारे स्कूटर हैं और आप कभी भी कोई सा भी चलाना चाहते हो तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है, लॉग आउट लॉग इन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा जाओ कौन सा स्कूटर अभी चलाना है उसे सेलेक्ट कर लो और आप उस स्कूटर को मोबाइल से अनलॉक कर लो, ये फीचर मुझे काफ़ी तगड़ा लगा भाई। उसके बाद फास्ट चार्जिंग की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, कितनी फास्ट हो गई है वो आप मुझे कॉमेंट बता सकते हो क्योंकि मैं इसका रेगुलर यूज़र नहीं हूँ। फिर हिल होल्ड चढ़ाई पे और ढलान दोनों पे वैसे ही वर्क करता है जैसे हमने इसके बेटा में चेक करा था। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि पहले जो अपडेट दी जाएगी वो दी जाएगी S1 Air और S1 Pro को, उसके बाद S1 X Plus को भी दी जाएगी लेकिन वो एक दो महीने बाद आएगी। अब उसके बाद आते हैं भाई मेन मुद्दे पे कि भाई Move OS 4 की अपडेट आपको कैसे मिलने वाली है, जैसे मुझे मिल गई, जैसे मैं मुझे ले पा रहा हूँ, आप कब ले पाओगे। तो भाई ओला ने बता दिया कि ये 50,000 बेटा यूज़र के साथ ऑलरेडी मतलब साइन इन करके वो बंदे यूज़ कर रहे थे, तो मैंने देखा है जैसे जिस बंदे का स्कूटर है उसने बेटा में साइन इन कर रखा था जिसकी वजह से उसे पहले अपडेट मिल गई है, तो मेरा मानना है कि जो उन्होंने बेटा के लिए साइन इन कर रखा है उन्हें पहले मिलेगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे बताया कि ये सारी अपडेट बैचेस वाइज चलेंगी, लेकिन शुरू के 10,000 बंदे पकड़ लिए, 20,000 पकड़ लिए, फिर 30,000 पकड़ लिए, ऐसे करके भाई इनके जो 4 लाख यूज़र जो है उनको अपडेट दी जाएगी भाई। और ओला कह रहा है कि भाई ये एक हफ्ते में दे देंगे, मैं मान के चल रहा हूँ एक महीने में दे देंगे, पर लेकिन आपको भी इसी तरह से मिल जाएगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक है लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रही, मतलब क्वेश्चन आता दिमाग में, आपके में भी आता होगा कि ओला इतने भर भर के फीचर क्यों दे रहा है, बाकी कंपनीज तो नहीं दे रही इतने फीचर्स, क्यों इतना पागल पड़े फीचर्स को लेके। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ भाई, देखो ओला ऐसी कंपनी नहीं है कि दो पहिए लिए उसके ऊपर चेसी बिठाई फिर मोटर लगाई फिर बैटरी लगाई स्कूटर बन गया बेच दो। ओला को आपको फीचर प्लान्स पता ही होंगे कि इन्हें फ्यूचर में एक अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी लानी है, फिर कार भी लानी है, और जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होती है ना वो सॉफ्टवेयर के मामले में बदनाम है भाई। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी फोर्ड है, वो भी ये कहते हैं कि भाई कार कंपनीज के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं बन पाता, इसलिए बहुत कम कंपनीज हैं जो अच्छे सॉफ्टवेयर बना पा रही हैं, और मोस्टली सारी टेक कंपनी जो है कार के लिए सॉफ्टवेयर बना रही है। तो ओला जो है अपना आपको कह सकते हो मजबूत कर रहा है, यहीं से ये बना के चल रहा है अपना मूव OS 1, 2, 3, 4, फिर 5 भी आएगा, फिर 6 भी आएगा, जबकि कार लॉन्च होगी आदि जब तक 6 भी आ जाएगा, तो अभी से इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मजबूत होता जा रहा है भाई। जो इनकी फ्यूचर में कार आएगी, बाइक आएगी, उन्हें एक पका पकाया मजबूत सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, जिसके जो फ्यूचर होगा भाई वो बहुत ज्यादा तगड़ा होगा भाई। भाई मुझे भी दिखा दो, बड़ी लंबी हो जाएगी यार, चल। नमस्कार तरुण। हेलो टैरन। हे टैरन। तो आ चुके हैं भाई फ्यूचर में, अब मुझे कौन सा व्हीकल चलाना है। वैसे हमारे सारे व्हीकल हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं, चाहे वो अपनी बाइक हो, स्कूटर हो, या फिर ओला की कार हो, या कोई भी इलेक्ट्रिक कार हो सकती है भाई। फ्यूचर में जो मूव ओएस होगा मेरे हिसाब से ऐसे वर्क करने वाला है, ये तीनों व्हीकल मुझे ढंग से जानते हैं भाई, क्योंकि इन तीनों के अंदर AI ठूस का डाल रखा है। AI को सब पता है कि भाई तरुण को अब लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या फिर मार्केट जाना है सब्जी खरीदने के लिए, तो वो ऐसे आएगा, स्कूटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, उसे थोड़ी टूरिंग करनी है, दोस्तों के साथ मस्ती करने आना है, तो दो कदम पीछे खड़ा होगा, ऑटोमेटिकली बाइक स्टार्ट हो जाएगी, बंदा बाइक बैठे चला जाएगा, या फिर कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो कार की तरफ भी जा सकता है। तो कुल मिला के बाद यहाँ पे ये है कि जो मूव ओएस है हमारी जो पूरी लाइफ है उसे बदलने के लिए आए हैं भाई। हमारे व्हीकल हमें हमसे ज़्यादा जानने वाले हैं फ्यूचर में जाके, घड़ी से स्टार्ट हो रहा है, पास आने से स्टार्ट हो रहा है, खुद ब खुद स्टार्ट हो रहा है, या फिर तरुण आज आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, ये भी हो सकता है कि भाई हमसे खुद ही पूछ ले कि भाई आज किसके साथ आज घूमने जाने वाले हो, तो आज मैं जाने वाला हूँ अपनी बाइक के साथ। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, डेफिनेटली यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो एंडलेस है भाई, कुछ भी कैसे भी हो सकता है, क्योंकि अब तो AI आ गया है, ऊपर से जो सॉफ्टवेयर है इतने एडवांस होते जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये था भाई ओला का मूव OS 4, यहाँ पे मैंने सारी तगड़ी तगड़ी चीज़ें आपको बता दी हैं। स्पेशल थैंक करूँगा भाई विकी भाई का जिन्होंने अपना स्कूटर मुझे दिखाया है, एंड स्पेशल थैंक टू ओला जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर करा है, तभी इतने तगड़ी वीडियो बना के हम आपके पास लेके आ पाए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कौन बताओ सबसे तगड़ा फीचर कौन सा लगा।